वी टेक इट एज अ गुड साइन कि ही वांट्स टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मेरा इतना ही पूछना है कि क्या इस बार इंडियंस आप पर भरोसा कर सकते हैं? मैं आपका जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसको मैं देखता हूँ, ये पहचान कर सकूं कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ या मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ। मतलब है कि जो हुक्मरान है, जो सरबरा है, उनका आर्मी पे कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान में। आप इसको क्वाड्रिलैटरल ट्राइलैटरल बनाने की कोशिश करते हैं, कभी यूएई को बोलते हैं कि मीडिएट करिए, कभी यूएसए को बोलते हैं कि मीडिएट करिए, इससे ये बायलैटरल कैसे रहे गई ट्रीटी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वर्जन ऑफ माय शो। तो आज तक मैंने कभी डिस्कशंस या डिबेट्स नहीं किए जैसे आप जानते हैं मेरे चैनल पर, लेकिन आप सबकी ये डिमांड थी तो मैंने सोचा कि शुरू कर लेते हैं। और एज अ गेस्ट मैंने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल गेस्ट को आज इनवाइट किया है, एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट ऑफ स्टेट मीडिया, और इनका जो एक्सपर्टीज है ये है कश्मीर और सीपेक, और स्टेट मीडिया में इन्होंने 18 इयर्स दिए हैं अपने लाइफ के। प्लीज वेलकम टू माय शो मिस्टर यासिर रहमान आवान, वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो व्यूअर्स हैं या दर्शक जिनका कहा जाता है आपके यहाँ, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी उनका। जी थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यासिर साहब, आई वांट टू आस्क यू कि आपके जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तरह का मतलब एक स्टेटमेंट जो दिया वो बहुत ही हाईलाइट हो चुका है, बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। वो स्टेटमेंट उन्होंने अल अरेबिया टीवी में दिया जब वो यूएई में थे, और उन्होंने वहां पर कहा कि यू नो ही वांट्स टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स इंडिया। आप मुझे बताइए, ये पहले भी हो चुका है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डेजा वू, डोंट यू थिंक? ये पहले भी हो चुका है, और दोनों बार जब ये हुआ है, आप देखिए, पहली बार फॉर एग्जाम्पल जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान, उनको तो बहुत सराहाया गया। इनफैक्ट आई बिलीव कि बीजेपी से वो पाकिस्तानियों के फेवरेट लीडर हैं, बिकॉज उनको इतना उनको इतनी इज्जत दी गई और उनको हमेशा एक पॉजिटिव लीडर की तरह देखा गया पाकिस्तान में। डिस्पाइट दैट उन्होंने लाहौर ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ इन फेब आई बिलीव ऑफ 1999, एंड विद इन थ्री मंथ्स के अंदर आप लोगों ने कारगिल वॉर छेड़ दी। उसके बाद द सेकेंड टाइम इट हैपेंड वॉज वेन मोदी जी अनएक्सपेक्टेडली अराइव्ड इन पाकिस्तान, उनको भी बहुत नवाजा गया, उनको बहुत एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी गई, बहुत इज्जत, हॉस्पिटैलिटी जिसके लिए पाकिस्तानी माने जाते हैं वो उनको दी, एंड वहां भी ऐसे लगा कि दोनों देशों में दोस्ती हो जाएगी। लेकिन फिर इन वन मंथ टाइम, वो गए थे दिसंबर 2015 और जैन 2016 में, आप लोगों ने पठानकोट का अटैक कर दिया हमारे देश में। नाउ द हैरानी की बात यह है कि उन दोनों टाइम पे एक ही बंदा था जो प्राइम मिनिस्टर था उसी पार्टी का, और आज भी जो इंडिया की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं वो भी उसी पार्टी के, बल्कि उसी फैमिली के हैं, शहबाज शरीफ साहब। सो एज समबडी विद अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, वुड यू एडवाइस इंडियंस एंड द इंडियन गवर्नमेंट कि वो एक बार फिर पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपने एक बड़ी लंबी सी तमहीद बांधी है, बैकग्राउंड दिया है। बहरहाल जो आपका वर्जन है आपने बयान कर दिया, पहले हम जरा लेटेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो दावत दी है नरेंद्र मोदी साहब को, या जो आरएसएस या बीजेपी की इस वक्त पार्टी बराजमान है दिल्ली में, उनको कि आप सीरियस मुजाकरात की तरफ आए और बात करें, मैं आपका जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसको मैं देखता हूँ, और मुझे कई मर्तबा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं ये पहचान कर सकूं कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ या मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऐसे डी फेक, ऐसे लाइज बोले जाते हैं और ऐसे डिस्टॉर्ट करके चीजों को बयान किया जाता है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि यार ये उसने कब कहा थी ये बात। अब प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने कहा वो इंडियन मीडिया पे तो नहीं कहा था अवान साहब, वो तो उन्होंने अल अरेबिया टीवी पे कहा था। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर यूएई के दौरे पे थे, वहां पे उन्होंने अल अरेबिया को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने कहा। अब उन्होंने पूरी बात क्या की है आप जरा सुन लीजिए, और जो बात हिंदुस्तानी मीडिया में चलाई जा रही है वो भी सुन लीजिए। पूरी बात प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं
उन्होंने हिंदुस्तान को मुखातिब करते हुए कहा, और पहले उन्होंने कहा कि यूएई हमारा ब्रदरली कंट्री है, उसके हिंदुस्तान के अंदर भी स्टेक्स हैं, उसको किरदार अदा करना चाहिए। और हिंदुस्तान की उन्होंने बताया कि जी जंग है, जंग का तो किसी को कोई फायदा नहीं होता, और हमने जो 3 जंगें लड़ी हैं, हमसे मुराद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हैं, हमसे मुराद के 3 जो जंगें लड़ी गई हैं, यानी 1965, 1971 और उसके बाद फिर 1999 की बात होती है, ठीक है। ये 3 जो जंगें लड़ी गई हैं, इन 3 जंगों से किसी को फायदा नहीं हुआ। और जो मैं हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर देख रहा हूं वो ये कि वो सिर्फ एक वो जुमला जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वी हैव लर्न्ड आवर लेसन्स, हमने अपना सबक नहीं, सीख लिया है, हम उस जुमले अब पे नहीं जा रहे, इसको, हम इस जुमले पे सॉरी, जा रहे हैं कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम उस हाँ जुमले मैं पे इस तरफ आ फोकस रहा कर। हूं जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब वो उस चीज को इतना प्ले आउट किया जा रहा है और इस हद तक उसके अंदर फस क्रिएट किया जा रहा है कि इससे पहले कि आपकी स्टेट रिस्पॉन्ड करे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उस दावत को जो उन्होंने डायरेक्टली मोदी साहब को दी है, आपका जो गोदी मीडिया जिसको माजरत के साथ खुद आपके लोग कहते हैं, ठीक है, द वायर और बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं, वो पहले से तर्जमानी कर रहा है, पहले से उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सीरियस बात की है, उन्होंने कहा है जी बिल्कुल हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ठीक आप है, तो दोस्ती का हमें हाथ बढ़ा रहे चाहते, हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? यस, उन्होंने एक्सटेंड किया है, उन्होंने तो एब्सोल्युटली। तो हमेशा कहा मेरा है सवाल वहीं से शुरू हुआ था, उससे पहले या उसके बाद उन्होंने जी। क्या मैं बोला, उसी मैं तरफ, उस पे नहीं उसी, फोकस कर देखें, रही हूं। आपने आपने जो सवाल शुरू किया, मैं जरा उस तरफ आ रहा था कि इस वक्त हिजान क्यों बरपा है, यानी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि पाकिस्तान ने शायद कोई कमजोरी दिखा दी है बातचीत की। पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा है कि हमें पुरअमन हमसाईगी चाहिए, नहीं नहीं पुरअमन देखिए, हमसाईगी, पीसफुल पहली बात नेबरहुड तो आप, चाहिए। शायद मैं आपको, सॉरी मैं आपको टोकना चाहती हूँ, शायद आप अपने हमसाय को ठीक से समझे नहीं है। जो हिंदुस्तान है, हमारी संस्कृति में आप कह सकते हैं, जंग करने वाले से ज्यादा बड़ा दिलदार हम मानते हैं उसको जो जंग ना करना चाहे और जो दोस्ती करना चाहे। दैट इज आवर कल्चर। तो हम इसको कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं समझ रहे। वी टेक इट एज अ गुड साइन कि ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मेरा इतना ही पूछना है कि क्या इस बार इंडियंस आप पर भरोसा कर सकते हैं? बिकॉज कंसिडरिंग जो हमारी पहली हिस्टोरिकल बात तो ये, टाइमलाइन है। जी, जी पहली बात तो ये है कि इंडियंस, ये सवाल तो हमें इंडियन से पूछना चाहिए कि हम आप पे भरोसा कर सकते हैं कि जी जब किस भी तरह? आपसे टॉक्स के हवाले से बात की जाती है, आप टॉक्स को लेकर कुछ और उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को साइड पे करते हुए, शिमला अकॉर्ड के अंदर आपने खुद कहा कि हम बायलैटरल इश्यूज को करेंगे और जम्मू एंड कश्मीर उसके अंदर शामिल होता है। आपने जो बात की शुरू में, जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात की या तमहीद बांधी, उसके अंदर आपने जो बात की मोदी के हवाले से कि मोदी साहब जब आए फिर पठानकोट हो गया, पाकिस्तान तो बार बार आपसे ये कहता रहा है कि हमें, हम आपसे कॉपरेट करने को तैयार हैं, तो आप ठीक है, हमें तो एक्सेस दीजिए, हम उन लोगों से इंटरव्यूज करें, हमारे लोग वहां पे जाएं, ताकि ये चीज कौन स्टैब्लिश हो सा सके कि एक्सेस, जो भी कौन सा नॉन स्टेट, एक्सेस? मुझे बात करने दीजिए, जी जी जो आप भी कौन नॉन सा एक्सेस की स्टेट बात कर रहे एक्टर, जी, नॉन स्टेट एक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको हम कैफरे किरदार तक लेकर आए, तो पाकिस्तान ने तो, आपने तो बिल्कुल ही आप पठानकोट कौन से हमारे नॉन सिर पर डाल स्टेट दिया। एक्टर्स की बात कर रहे हैं? आप जरा उनको नेम कीजिए। नहीं मैं बता रहा हूं आपको, पठानकोट के हवाले से बात करो ना, उसको तो पठानकोट में उसने यूनाइटेड अपनी, जो जिहाद काउंसिल पाकिस्तान ने की क्लेम गवर्नमेंट, किया है ना, यूनाइटेड जिहाद सॉरी, काउंसिल ने क्लेम किया है पठानकोट अटैक को। हम किसने किस, किसने क्लेम किया है? यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने? नहीं मेरी नजर से तो ये कोई कोई गुजरा हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कौन सी, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक बनता है, या पाकिस्तान की कौन सी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड लगा दिया? जिहाद, देखिए यूनाइटेड नॉन जिहाद स्टेट, काउंसिल को तो आर्मी ने ही खड़ा किया है आप पाकिस्तान की। कहा, एनीवे किसने किसने कह दिया आपको आर्मी ने खड़ा किया? मुझे कुछ सबूत दिखा दें कि देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने आपके इसको यहाँ खड़ा किया होता है। ये है कि आर्मी एक चीज करती है, हुकूमत एक चीज करती है, फिर आवाम पूछती है कि किसने आपसे कह दिया। अब आप देखिए, जब ये तो कारगिल आपका वॉर हुआ मफरूजा है, था तब भी यही हुआ था कि नवाज शरीफ बोल रहे हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें कुछ रोग आर्मी जनरल्स जो हैं वो निकल पड़े थे कारगिल वॉर करने के लिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि जो हुक्मरान है, जो सरबरा है, उनका आर्मी पे कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान में। तो देखें उस अगर वक्त आप, जो अगर उस वक्त, जेन्युइनली भी सही चाहते है, हैं, सुनिए मेरी चले, बात, अब अगर आप मुझे, जेन्युइनली भी चाहते हैं कि हमसे दोस्ती कर लें, तो जब तक आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि आपका आर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल है, एज इन हुकूमत का आर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल है, और आवाम भी वही चीज समझ रही है,
जो हुकूमत बोलती है और जो आर्मी बोलती है, ये पूरा एक टैंडम में है। क्योंकि हमारे यहाँ आप गोदी मीडिया बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सब एक ही चीज सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आवाम भी वही समझ रही है, मीडिया भी वही छाप रही है। लेकिन आपके यहाँ होता है कि आवाम कुछ बोल रही है, मीडिया कुछ बोल रही है, आर्मी कुछ बोल रही है, हुक्मरान कुछ बोल रहे हैं। आपने खुद अपनी बातों से ये क्लियर किया। खैर, देखिए, आप बायलैटरल आप जिन आप स्टेटमेंट्स बायलैटरल के की बात करें अब ना, मुझे दूसरे बात करने दीजिए ना, बेहतर जितने तो ये मुझे होगा कि दूसरे अगर सवाल पर हम आना था। जी सही है, मैं उसी सवाल पे आपको जवाब दे रहा था, लेकिन आप अगर मुझे मुकम्मल करने देंगी तो अब हम बात आगे कर सकते हैं। अगर आप बीच में इस तरह ही, आप देखें पठानकोट के हवाले से मैंने अर्ज किया, पठानकोट के हवाले से मुझे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ये खुद ही क्लेम कर रही हैं कि जी वो किसी आर्मी ने खड़ा किया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली तो बात यह कि नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जी और जिसको तो आपने भी ऑन नहीं किया, कुलभूषण यादव जो है, या जिसे इंटरनेशनल उसके लिए कोर्ट ऑफ तो हम जस्टिस आईसीजे तक पहुंच तक, गए। सुन लीजिए ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जिसको ले गए, ठीक है जी, और कहा जाता रहा, जबकि कुलभूषण यादव का अपना बयान मौजूद है इसके हवाले से। तो देखिए, कहने का कुलभूषण मतलब ये कि यादव को आपके कोई यहाँ तो हमारे टेररिस्ट, पास ये कोई सबूत मौजूद इंटरनेशनल है कि कोर्ट आपके यहाँ ने, तो स्टेट आप एक्टर्स इन्वॉल्व कुलभूषण है, यादव को खुद स्टेट खुद एक्टर बोल अजीत लीजिए, धवल ने, सुन लीजिए, खुद आवाम अजीत साहब, धवल लेकिन ने उसको किसी ने कई टेररिस्ट, प्लेटफॉर्म्स के किसी ऊपर ये कहा इंटरनेशनल कि उसने ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में, अजीत धवल ने ये कहा कि उसने पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जासूसी की है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको वो लिंक्स भेज सकता हूँ जिसमें ठीक है, बड़े, और उसके मैं बाद फिर ये आपके बोल खुद रही ही हूं, मेरा नरेंद्र बोलना, मोदी, अब बात आवाम सुनिए, साहब मेरा, अब चलिए खुद ही हम दूसरे नरेंद्र मोदी सवाल ने पे क्या जाते कहा, हैं। उन्होंने मुक्ति बानी को ऑन किया, उन्होंने कहा जी मुक्ति बानी हमने खड़ी की थी। ठीक है, जनरल शावेक सिंह जिन्हें मीर साहब को या बेग साहब के नाम से वहां पे जाना जाता है, उनको ये टास्क दिया गया था जो बाद में खालिस्तान में इंडियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ते हुए मारे गए थे। तो देखिए, कहने का मतलब ये हमारा कि जो आपके यहाँ तो सवाल है ना, स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हाँ हमारे यहाँ तो चले अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर या लोन वुल्फ ने जाके कोई ऐसा काम कर दिया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो आपको ये कहा है कि आप, पहले मैं बात कर रहा हूं उस वाक्य की जो आप नरेंद्र मोदी के अनइनवाइटेड विजिट के हवाले से बात कर रही हैं और सरप्राइज विजिट के हवाले से बात कर रही हैं जो उन्होंने किया। उसके बाद आपने फरमाया कि पठानकोट हो गया, पठानकोट जो हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी स्टेट आपको ये कह रही है कि आप हमें एक्सेस दें, हमें भी आपके साथ इसमें हमारी टीम को शामिल करें ताकि किस उसका जो चीज भी के? आउटकम है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन देखिए, इसके हमने अंदर हो। आपको कई तो बार आपने डॉसियर्स मुकम्मल दिए। बयान कर लिए कि जी ये जी पाकिस्तान आप की मेरी तरफ से बात अटैक सुनिए, था। चलिए आप मेरी बात सुनिए। हमने कई बार हमने आपको डॉसियर्स दिए सबूतों के साथ, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी टेररिस्ट करार दे दिया उन लोगों को जिनकी हमने मांगी की आपसे, चाहे मसूद अजहर हो, जकीर रहमान लखवी हो, हर एक वो शख्स जिसको आपने पनाह दिया। अदालतों में हमने, उन पर अब बात मुकदमात, आ रही है जब दोस्ती सुन की। लीजिए, जी पाकिस्तान की अदालतों में उन पर मुकदमात चलाए जा रहे हैं, जो भी लैंड ऑफ लॉ है वो पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में जुडिशरी अपने तौर पे काम कर रही लेकिन है, उन्होंने जो आजाद काम है। किए आपके हैं, जो यहाँ आपकी उन्होंने तरह तो नहीं है कि दहशतगर्दी आज तक, हमारी देश में आज की है। सुन लीजिए ना, आपके आपकी तरह तो नहीं कि आज तक आर्टिकल 370 का जो केस है वही सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा क्योंकि मोदी साहब ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। मोदी साहब ग्रीन सिग्नल देंगे तो अब आर्टिकल आप थ्री आए हैं सेवेंटी लगेगा। आर्टिकल थ्री आपकी तरह तो सेवेंटी नहीं पे, है कि तो हम ज्ञान उसकी भी वापी बात, जी मस्जिद, देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद का जो जवाब आया वो क्या मेरी आया, आपसे बाबरी मस्जिद रिक्वेस्ट का है जवाब यासिर आया साहब, वो क्या क्योंकि आया, हमारा शाही हमारी मस्जिद जो जो, इस वक्त यासिर यूपी के साहब अंदर हुई सुनिए वो क्या आई। सुनिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा ये जो शो है, ये मेरा पहला शो है इन दिस फॉर्मेट, तो और इसका सही टाइमिंग है, ज्यादा नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू कि वील स्टिक टू द टॉपिक, क्योंकि आप अपनी, आई ठीक है, अंडरस्टैंड योर इमोशंस आर रनिंग देखिए वेरी वाइल्ड, एंड आई आई वॉन्ट टोटली टू, या सपोर्ट एंड आई दिस, जस्ट वॉन्ट टू से दैट लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन। हाथ सही है एक्सटेंड दिस किया याना, है, या यू हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, यू एक्सेप्ट दैट, या आप उस पर भी गोल गोल बोलेंगे, यू एक्सेप्टेड, यू हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। और पिछली बार हिस्टोरिकल टाइमलाइन में जो भी हुआ, आप कह रहे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना, वो नॉन स्टेक एक्टर है। देखिए, इससे पहले जिसने भी भी, किया हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर किया हो, जी अब जी मैं पुलवामा मुझे समझती बता हूँ, दें, मैं पुलवामा समझती हमने हूँ, किया था लेकिन क्या? इसके लिए जो है पुलवामा तो हमने, अपना वो लड़का बच्चा जो था जिनके साथ कश्मीरियों देखिए, में आप जुल्म फिर हो आप रहा है, वो डिवियट कर रहे डार हैं, जो आप मुझे बच्चा था क्वेश्चन आ उसने रही है, पुलवामा किया, आप अगर वो भी ऐसे आपने करेंगे हम मैं पे लगा अगला दिया, क्वेश्चन, फिर आपने हम पे जंग यासिर साहब मुसलत मैं करने अगला की कोशिश सवाल नहीं की, पूछ हमने पाऊंगी, अमन फिर का पैगाम मैं दिया, अगला सवाल हमने नहीं, आपको आई एम सॉरी, आई हैव टू म्यूट यू अभिनंदन देन। को हमने वापस कर दिया। कहने का मतलब ये या ना, देखें आप चीजों को पिक एंड चूज नहीं कर सकते, आप हिस्ट्री को, आप एक बात मेरी, आई एम सॉरी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आप जो है मेरे अगले सवाल का आंसर भी इसी सवाल में देने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई डोंट वांट, बिकॉज दैट विल कंफ्यूज द व्यूअर्स। मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैंने कह दिया, अगर आप कहते हैं कि आप किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसकी जो है, जैसे आप कहते हैं कि आप, कि हिंदुस्तान हमें क्वेश्चन ना करे, तो उसी तरह जब हिंदुस्तान ने डॉसियर्स और सबूत पेश कर चुका है,
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उसके बाद भी पाकिस्तान कहती है कि वो भाई, या तो वो कहती है कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, या तो वो कहती है कि हम उस पर मुकदमा खुद कर लेंगे। जब उसने दहशतगर्दी हमारे देश में की है तो जाहिर सी बात है हमारा देश चाहेगा कि हम उसके साथ इंसाफ करें। और अगर आप दोस्ती का हाथ वाकई में बढ़ाना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि इन्विटेशन या दावतों से कुछ होगा। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर स्टेप होना चाहिए, जैसे कि इन लोगों को डॉसियर्स के हिसाब से हमारे हवाले कर दिया जाए। दैट वुड बी टेकन एज अ राइट स्टेप टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, आई बिलीव। तभी दोनों देशों के बीच मसले सॉल्व होंगे, और इन जैसे लोगों को बचाने से ज्यादा अमन साहब, क्योंकि टुमारो दे कैन प्रूव टू बी डेंजरस टू योर कंट्री ऑल्सो। इन जैसे लोगों को बचा, क्योंकि आपको पता है कि आपने तालिबान को कितना सपोर्ट किया था, उसके बाद आज क्या हो रहा है, तालिबान पलट गई ना पाकिस्तान। तो इन जैसे लोगों को बचाने से अच्छा है कि आप इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, बिकॉज इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया टुडे एंड दैट विल बेनिफिट पाकिस्तान। एंड ऐसे लोगों को बचाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने के चांसेस है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बायलैटरल ट्रीटी का जिक्र किया। बायलैटरल ट्रीटी मतलब जो शिमला अग्रीमेंट से बनी थी। आई विल जस्ट अनम्यूट यू आफ्टर आई फिनिश आस्किंग माई क्वेश्चन। बायलैटरल ट्रीटी जो शिमला अग्रीमेंट से बनी थी, उसमें साफ साफ कंडीशंस दिए गए थे कि दोनों देश एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, देयर विल बी नो वॉर्स बिटवीन देम। बट इसका जो है, इसको तो खारिज खुद पाकिस्तान ने किया कारगिल वॉर शुरू करके, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनरल अशरफ है उनका रेजिग्नेशन ही इस बात का प्रूफ है कि इट वाज ऑल स्टार्टेड। एंड खुद नवाज शरीफ ने बोला है कि यस इट वाज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान, बट आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, एंड देयर आर सम रोग आर्मी जनरल्स हु स्टार्टेड दिस वॉर फॉर अस। वो चाहे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो या रोग आर्मी जनरल हो, फॉर अस इट इज पाकिस्तान ओनली। तो जब पहल आपकी यहां से हुई थी, आपकी तरफ से हुई थी, आपने खुद दरख्वास्त कर दिया उस बायलैटरल ट्रीटी को, और आज आप फिर उसी को बायलैटरल, जब ट्रीटी के कंडीशंस को आपने दरख्वास्त कर दिया तो वो बायलैटरल ट्रीटी कैसे रही। सो मैक्सिमम हिंदुस्तानी अब इसको बायलैटरल मानने से इनकार करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको बायलैटरल, जी सुन लीजिए, इसको बायलैटरल अगर बोलते हैं तो हाउ कम आप इसको क्वाड्रिलैटरल ट्राइलैटरल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी यूएई को बोलते हैं कि मीडिएट करिए, कभी यूएसए को बोलते हैं कि मीडिएट करिए, इससे ये बायलैटरल कैसे रह गई ट्रीटी। जी अब आप बोल सकते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पहली बात तो ये कि आपने सवाल जो किया है, आप जरा सुन भी लीजिएगा। जी पाकिस्तान का जो मौकफ है वो ये कि पाकिस्तान ये कहता है पहले दिन से कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हमने कश्मीर के हवाले से बात की, अगर बायलैटरली भी आपने डिस्कस करना है तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करना होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने जी नहीं, 1949 बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्रीज के बीच में, इसमें यूनाइटेड नेशंस बीच में नहीं आता है। आगे बोलिए। जी सुन लीजिए ना, कोई भी ऐसा कानून दो मुल्क नहीं बना सकते जो इंटरनेशनल लॉस की वायलेशंस करें, जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की वायलेशंस करें। यूनाइटेड नेशंस की 18 से ज्यादा रेजोल्यूशंस मौजूद है कश्मीर के ऊपर। लेकिन हाउ कैन वो यू से शिमला अग्रीमेंट से पहले हम हुए यूनाइटेड थे। नेशंस की, पाकिस्तान ने किस जगह सरेंडर किया कि पाकिस्तान ये कहता है कि जी हम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पे कोई बात नहीं करेंगे, और हम बात करेंगे तो आपस में बात करेंगे और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को खत्म कर देंगे। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की ही बुनियाद है जिसके ऊपर दोनों स्टेक होल्डर्स बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया बात करेगा, और उससे कहते हैं कॉम्पोजिट डायलॉग। कॉम्पोजिट डायलॉग में हम भी ये कहते हैं कि तो जी आप यूएई ठीक है, कहां से आ गया आप इसमें? आप यूएई को जी बोल रहे मीडिएट करने के लिए, वो क्यों करेगा मीडिएट? हमेशा मीडिएट नहीं होता, वो बेसिकली मीडिएट नहीं करना होता, दोनों को टेबल पे बिठाना होता है। क्योंकि अगर आपकी दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभिनंदन को हमने जब पकड़ा, आपका जहाज जब हमने गिराया, तो हमारे दोस्त ममालिक ही थे अब जिनसे देखिए, फिर इंडिया ने रिक्वेस्ट हम की। डाइवर्ट हो रहे हैं अब सुन टॉपिक लीजिए ना, से। अब अब देखिए मैं मैं ना चली आपको जाऊंगी नाइनटी बैकग्राउंड थ्री दे रहा हूं, थाउजेंड सोल्जर्स आप पे। बात नहीं करने नहीं, दे रही, इसमें कोई सेंस ऐसे नहीं नहीं, आप होगा। मुद्दे पे रहिए, आप आप मुद्दे बात पे करने रहिए। देंगी, आप बात करने देंगी, आप नहीं, बैकग्राउंड आप देने मुद्दे पे देंगी। बात अब कीजिए, मैं मुद्दा अभिनंदन नहीं रहती। देखिए, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स का पता है वहां पे इंडिया में, जिसके हालात मुझे भी आपकी हैं प्रॉब्लम्स का मुदीर ने पता है, आप क्रिएट गोल कर गोल दिए हैं, अलग अलग बट बातों में यहां फिर मैं आते आपको हो, कभी बताऊं कि अभिनंदन को ले अभिनंदन को आते हो, कभी इसको सुन ले लीजिए आते ना, हो, मिस ये मिस सही जाना, नहीं अगर है। आप आप इस टॉपिक तरह पे बात कीजिए। बात नहीं बनेगी ना। बायलैटरल देखिए ट्रीटी को बात ये आपने कि आप बार क्वाड्रिलैटरल बार, बना दिया, इसकी आप सुन बात लीजिए कीजिए। ना, और अभिनंदन दूसरा, के ऊपर आप इतनी दरख्वास्त ज्यादा भी क्यों कर सिख दिया। नहीं, पाओगी? अभिनंदन का इसमें कोई लेना देखिए देना नहीं है मिस जाना, जी। नहीं, और ना अभिनंदन के इसमें ऊपर आप कुलभूषण इतनी यादव का लेना देना था। जो अभी सवाल मैंने अभिनंदन के आपसे ऊपर पूछे, आप इतनी आप सीख उसमें पा क्यों दूसरी हो चीजों गई को हैं? ला रहे। अच्छा बात तो और करने देना, यूजुअली ये आप तब ये तो ना होता है कहिएगा जब कि आपके अभिनंदन पास को जवाब हमने नहीं कश्मीर होते। से पकड़ के लाया था, अब ये ना कह दीजिएगा कि अभिनंदन को हमने कश्मीर से पकड़ के लाया था, ठीक है, चाय की इसका प्याली भी यहाँ पे हमने क्या, उसको देखिए हम एक कश्मीर में काम दी करते हैं, थी। आप अपना एक शो करिए, उसमें मुझे बुलाइए, मैं आपको जवाब दूंगी। फिलहाल जो मेरा नहीं, मैं सवाल है, आपको प्लीज देखें ये काइंडली आप तरीके की उसी पे बात नहीं आंसर होती, दीजिए। मैंने आपको आप एग्जांपल दिए, बातें आपने मुझसे घुमा रहे हैं। पूछा, आपने सुन लीजिए आपको मैंने मिस याना, सिंपल आप सुन सवाल लीजिए, पूछा था कि आपने क्या मुझसे हम पूछा आपको कि ट्रस्ट कर यूएई कैसे सकते आ हैं? गया। ओहो सुन तो लेना, आपने मुझसे पूछा यूएई कैसे आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हमारे ही दोस्त मुल्क ने
सऊदीया ने पाकिस्तान से कहा कि यार इसको वापस कर दें, जंग को आगे एस्केलेट ना करें, वहां एस्केलेटरी पे ट्रिप में कोई ना करें, बायलैटरल तो ट्रीटी हमने नहीं वापस थी, कर दिया वहां आपको, पे कोई आपका बायलैटरल जहाज तो ट्रीटी चले हम नहीं वापस नहीं थी। कर सके, आप वो तो जब हमने मन तोड़ में आए दिया, आप मार दिया यूनाइटेड उसको, नेशंस गिरा को दिया। एक्सेप्ट करते हैं, जब मन में आए आप नहीं एक्सेप्ट करते, जब यूनाइटेड नेशंस ने मसूद अजहर को बोल दिया कि टेररिस्ट, आप वो नहीं एक्सेप्ट करते, आप क्या उसको चीज नहीं छुपाते एक्सेप्ट रखते हैं। करते, जब क्या एक्सेप्ट नहीं आपके मन करते? में आता है आप यूनाइटेड नेशंस को एक्सेप्ट करते हो, जब नहीं आता आप नहीं करते। चलिए नहीं, यूनाइटेड किसने नेशंस की कहा, बात किसने कर रहे हैं, कहा? अभी भी चलिए आज भी यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस की नेशंस बात, का, सुन शिमला लीजिए अग्रीमेंट से और पुरानी हो सुन तो चुकी ले, है, आप बात तो शिमला सुने ना, अग्रीमेंट की अभी बात इसका तो कीजिए, बात, आप उसके अभी भी बाद जो यूनाइटेड लाहौर नेशंस का ट्रीटी हुई थी ऑब्जर्वर उसकी ग्रुप, बात अभी कीजिए, भी यूनाइटेड आप सीधे नेशंस का पीछे ऑब्जर्वर आगे ग्रुप पीछे जो आगे है पीछे जी, ऐसे 19 नहीं सुन सॉल्व होता लीजिए, है कुछ। 1948-49 की रेजोल्यूशन के मुताबिक आप एक पाकिस्तान सेकंड जो के लिए उसका वो भूल सिग्नेटरी, जाइए, आप बात तो अब करने नहीं हम देती आगे की ना, बात इस कर तरह रहे नहीं हैं, होगी शहबाज बात, इस शरीफ तरह में नहीं होगी आगे की बात। बात देखिए कीजिए, ये दिस इज नॉट द आप वे, फिर दिस इज पीछे नॉट द जा रहे वे, हैं, आप मुझे आर्ग्यूमेंट आप कंप्लीट फिर भी करने पीछे दे जा रहे रही, हैं, ये तो कोई आप फिर तरीका नहीं पीछे जा रहे हुआ। हैं। पाकिस्तान अभी भी मेरा जो सवाल यूनाइटेड नेशंस शहबाज का शरीफ ऑब्जर्वर से है, जो ग्रुप है, 2023 आप मुझे में उन्होंने बताइए, स्टेटमेंट दिया, मुजफ्फराबाद आप में मौजूद 49 में है, पहुंच गए। बाग में मौजूद है, रावलाकोट में मौजूद है, तमाम पुंछ एरिया में मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया ने कहा रखा है, हम यूनाइटेड नेशंस के आप जितने फिर भी किसी, बंदूक मैंने आते हैं उनको आपको विजिट कराते कुकोला है, हैं, आप इंडिया अपने उनको शो विजिट नहीं में मुझे कराता, इस बुलाइए, तरह मैं बात नहीं आपको होगी। जवाब दे दूंगी। बात आप बहरहाल करें, हमारा आप टाइम यूनाइटेड अभी नहीं, नेशंस की जो आप रेजोल्यूशन एक ही है सवाल का आप जवाब उनके नहीं दे हवाले सके, से बात करें, ठीक आप है, एक ही यूनाइटेड सवाल का नेशंस के जवाब नहीं दे रेजोल्यूशन को सके, आप हटा आपने नहीं फिर भी, सकते, दिस इज आपने नॉट फिर द भी वे, 370 मिस की याना, दिस बात इज नॉट की। द वे। चलिए आप आपने बात नहीं आर्टिकल, करने फिर दे रही, ये मैं कोई भी अर्णब तो सब गोस्वामी के टॉपिक शो से में नहीं डाइवर्ट बैठा हो रहे हुआ, हैं सर, ये आप सिर्फ टॉपिक से मुझे, डाइवर्ट मुझे हो रहे हैं, सुनना फिर है और आप बोले डांट कि खानी मोदी है, मीडिया ऐसा नहीं है। होगा, ठीक है, नहीं, आप आप बात टॉपिक से पूरी डाइवर्ट नहीं हो बात सकते, सुनेंगे, अगर बात आप सुन सकती हैं, आप में मैं माता है बात सुनने सुनूंगी का, तो अगर सुन आप लीजिए, टॉपिक पे बात करेंगे, हाँ ना, या फिर टॉपिक टॉपिक पे है ना, ये जवाब दीजिए। टॉपिक है, मैंने आपको विनय एग्जांपल दी अभिनंदन का है, तो टॉपिक मैंने शुरू ही नहीं किया, किसने, और कौन मैंने सा, अभिनंदन किसका का नाम, टॉपिक? मैंने यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक, मैंने ट्रीटी की बात की थी, लाहौर नहीं तो ट्रीटी की मैं तो बात की, आपसे कह रहा शिमला हूं, ट्रीटी आपने की, मुझे कब कहा आप चले यूएई जाते हो कहां से आ यूनाइटेड गया? नेशंस में? जी नहीं 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 ये नहीं बात सही नहीं आपने है, मुझे कहा, चलिए सुन कोई लीजिए, बात नहीं, आपने मुझे कहा आई एम यूएई कहां सॉरी, से आ गया? मेरे मैंने पास आपको एक कहा और कि सवाल यूएई, था, जी मेरे पास सॉरी, एक और सवाल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपने इन्हीं सवालों के जवाब मुझे आई डोंट नो दिए हैं, ये तो हमारी ऑडियंस ही डिफाइन करेगी कि आपने जवाब नहीं दिए नहीं हैं या नहीं नहीं देखिए दिए, आप या बात नहीं गोल कर गोल रहे, बातों देखिए में ना, दिस इज घुमाया है, नॉट, दिस इज लेकिन नॉट द मुझे नहीं वे, लगता कि आई गॉट आप एनी बात नहीं करने आंसर्स दे रही, फ्रॉम यू आप मुझे एंड समझ नहीं आ रही, हेंस। सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक जी है, जी मेरी जी बात सुने, जब सवाल पूछे जाते, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपके साथ फिर से एक शो करूंगी जिसमें आप प्लीज, बिकॉज आपने 18 साल दिए हैं मीडिया आप में, म्यूट कर दें, दिस इज मैं नॉट द चाहूं, वे, नहीं दिस इज नहीं मुझे नॉट द अभी वे, एंड करना ठीक है है, शो को, आई हैव टू एंड दिस शो एंड आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप प्लीज मुझे, डेफिनेटली आप मुझे एनलाइटन कीजिए कि किस तरह तो सवाल पूछे आपको जाते अभी हैं, सवालात रैंकिंग और सीखनी है, प्लीज उसके बाद आप बात प्लीज कीजिएगा। आप मुझसे मेरी प्लीज अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए, आई हैव टू एंड द शो नाउ, वी आर रनिंग नहीं आउट ऑफ नहीं नहीं टाइम, बट आई एम लीविंग द शो, आई एम सॉरी। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू अगेन। जी दोस्तों, तो ये था हमारा पहला शो, तो आई होप दैट यू एंजॉयड इट। जय कश्मीर, जय हिंद।